This meeting is being recorded. गुड मॉर्निंग सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर अब भी नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? यस सर अब आ रही है। अच्छी बात है। हाँ भाई क्वेश्चन लिखिए। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ एन टू एन और थ्री एन टर्म्स ऑफ एपी is S1, S2 and S3. Prove that S3 equal 3 bracket में S2 minus S1. हाँ भाई अब देखिए S1 में कितनी टर्म है? S1 में n टर्म है और S2 में कितनी टर्म है? 2n टर्म है और S3 में कितनी टर्म है? 3n टर्म। तो लिखेंगे S1 इक्वल n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। अंदर चाहो तो d की मल्टीप्लाई कर लो n बाय 2 2a प्लस n इनटू d माइनस d। ये देखिए आपकी पहली इक्वेशन तैयार हो गई। आपने S1 का आंसर निकाल लिया। इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। चलिए अब बताइए S2 में कितने टर्म है? 2n। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? 2n अपॉन 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू d। 2 से 2 आप काट सकते हैं, अंदर बच गया 2a प्लस, मल्टीप्लाई करें तो 2n d माइनस d। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो गई। देखिए तीसरी इक्वेशन में S3 में आपके पास अब 3n टर्म्स हैं, तो क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे S3 इक्वल 3n अपॉन 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इनटू d। ज्यादा से ज्यादा आप अंदर थ्री एन डी माइनस डी। ये देखिए ये आपके पास कौन सी इक्वेशन हो गई? थर्ड इक्वेशन। पहली में एस वन में एन टर्म है, एस टू में टू एन टर्म है और एस थ्री में थ्री एन टर्म्स है। ये देखिए तो हमने तीन बार फॉर्मूले लगा दिए और तीनों में नंबर ऑफ टर्म्स बदल दी। अब जरा पहला हेडिंग देखिए, हमारे प्रूफ में क्या लिखा है? एस टू में से एस वन को क्या किया जा रहा है?
तो हम अपने आंसर के अकॉर्डिंग चलेंगे और S2 में से S1 को माइनस करेंगे, तो लिखेंगे S2 माइनस S1। तो चलिए S2 में से S1 को माइनस करते हैं, S2 का आंसर है N और ब्रैकेट में 2A प्लस 2ND माइनस का D, और S1 का आंसर है N अपॉन 2 ब्रैकेट में 2A प्लस ND माइनस D। ये देखिए भाई, अगर मैं यहां 2 से 2 काटने की बजाय, यहां पर 2 से 2 काटने की बजाय अगर यहां लिख दूं और काटने की बजाय n by 2 कॉमन ले लूं, क्यों भाई? ये देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पर 2 काटता नहीं, ये देखो, और अब इन दोनों में n by 2 कॉमन ले लूं, तो यहां 2 बचेगा, मैं इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसके साइन इसकी वजह से क्या कर दूंगा, चेंज। तो चलिए 2 टू जा 4a, 2 टू जा 4nd माइनस के 2d, n by 2 कॉमन चला गया था, अंदर के साइन सबके चेंज हो गए और ये बच गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। हाँ भाई, समझ में आ रहा है ऑनलाइन? यस सर। यस सर। चलिए अब n by 2 और इधर क्या चल रहा है, s2 minus s1, कौन बताएगा? 4a में से 2a गया, 2a, 4nd में से 1nd गए, 3nd, और माइनस के 2d और प्लस के d माइनस के d। लिखो फिर से S2 minus S1, N by 2, 2A plus, बताओ क्या कॉमन है? आखिरी की दो टर्म में क्या कॉमन है? हाँ भाई, आखिरी की दो टर्म में D कॉमन है, इधर से बच गया 3N, इधर से बच गया 1। अब बताओ इस आंसर को, S3 का आंसर प्रूफ होने में किस चीज की कमी है? ये आंसर अगर S3 का बनाना हो तो किस चीज की कमी है? 3 की यहां पर क्या होना चाहिए, ठीक है? तो हमने क्या किया, 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, जो काम किया बोथ साइड्स किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। देखो भाई, मेरी रिक्वायरमेंट है जब तक यहां 3 होने का नहीं, मैं इस पूरे फॉर्मूले को क्या नहीं लिख सकता, S3। अब बताओ इस साइड क्या आ गया, इस साइड आ गया 3s2 minus s1, और ये देखो, और बताओ ये किसका फॉर्मूला है? हाँ भाई, देखो क्या प्रूव हो गया, s3 equal 3 ब्रैकेट में s2 minus s1। कितना आसान क्वेश्चन हो गया बताइए, भयानक दिखने वाला और डराने वाला क्वेश्चन कितना आसान है, आप इसका अंदाजा लगा सकते। S1 में n टर्म थी, S2 में 2n टर्म थी, S3 में 3n टर्म थी, यहां मैंने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 2 से 2 कट नहीं किया, n by 2 S2 में से S1 को माइनस किया और n by 2 कॉमन ले लिया, जो 2 बचा उसके अंदर मल्टीप्लाई करी और इस माइनस की वजह से साइन चेंज करे, ये सॉल्व करते करते मेरे पास ये आंसर आ गया, लेकिन यहाँ 3 की कमी थी तो यहाँ 3 लाने के लिए मुझे यहाँ भी 3 चाहिए, देखो 3 से 3 काट दिया तो दोबारा वहीं पहुंच गए, तो आंसर प्रूफ जो करवा रहा था इधर भी 3, देखो इधर भी 3 आ गया, और ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये फॉर्मूला S3 का बन गया, आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है? एक और क्वेश्चन लिखो, लिखिए the sum of n terms of 3 APs are S1, S2 and S3. First term of each is unity.
एंड कॉमन डिफरेंस आर पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3. प्रूव दैट S1 प्लस S3 इक्वल टू S2. S1 प्लस S3 इक्वल टू S2. हाँ भाई, चलिए S1 का आंसर लगाते हैं. कौन बताएगा यूनिटी का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टर्म यूनिटी का मतलब वन. एक आंसर चाहे S1 लगाओ, चाहे S2 लगाओ, चाहे S3 लगाओ, सबके अंदर A का आंसर कितना है? वन है. ठीक है, चलिए तो n by 2. अच्छा, तीनों में कितनी टर्म है? तीनों में n टर्म है. पहली वाली का कॉमन डिफरेंस 1 है, दूसरे का 2 है और तीसरे का 3 है. चलिए n by 2, 2 A की जगह 1, n की जगह n और d की जगह बताओ क्या लिखो? 1. चलो n by 2, 2 plus n minus 1, n by 2, n plus 1. पहली इक्वेशन तैयार. 2 में से 1 गया 1, n plus 1 और n by 2. अब किसका नंबर है? S2 का. चलिए फिर से n by 2, A की जगह 1, बताओ n की जगह n, कौन बताएगा? अब की बार कॉमन डिफरेंस कितना है? 2. ये देखो 2a plus n minus 1 into d. चलो भाई n by 2 क्या बचा? 2 plus 2n minus 2, 2 से 2 कट गया. कौन बताएगा क्या बचा? n by 2 into 2n. लो 2 से 2 कट गया, बताओ क्या रह गया? n square. n square बच गया. कोई दिक्कत? कॉमन डिफरेंस को नो सर चेंज करते जाना है और a की वैल्यू क्या रखनी है? 1 रखनी है. और तीनों में टर्म की संख्या कितनी है? n है. चलिए तीसरा नंबर बताइए क्या है? S3. फिर से वही n by 2, 2 a की जगह 1, n minus 1, d की जगह 3. ये देखिए कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3. कौन बताएगा? n by 2, 2 plus 3n minus 3, n by 2, 3n minus 1. ये देखो ये कौन सी इक्वेशन आ गई हमारे पास? थर्ड. बोलो भैया आंसर क्या कह रहा है? आंसर कह रहा है S1 और S3 को क्या किया जाए? प्लस. देखते हैं ये आएगा कि नहीं. तो चलिए S1 और S3 को प्लस करते हैं. S1 का आंसर है n by 2 n plus 1 और प्लस का निशान और n by 2 और ब्रैकेट में 3n minus 1. ये देखिए S1 और S3 के आंसर को प्लस कर दिया मैंने. ये डिमांड आंसर की है. S1 और S3 को प्लस कर दिया. N by 2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया N plus 1 plus 3N minus 1. ये देखिए क्या हुआ? 1 से 1 कैंसिल हो गया और इस तरफ चल रहा है S1 plus S3. कौन बताएगा अंदर क्या बच गया? 4N. ठीक है, काट दो 2 2 जा 4, बताओ क्या आ गया? अभी क्या आ गया? 2n square. और n square किसका आंसर है? कौन बताएगा? S2. S2 का. तो 2 तो ये रहा और n square की जगह S2 लिख दो और चेक करो क्वेश्चन प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ. Yes, sir. ये दिखने में भयानक है लेकिन जिसको फॉर्मूले की नॉलेज है और जिसे पता है कि ये कॉमन डिफरेंस दे रखा है, ये यूनिटी फर्स्ट टर्म है, कुछ नहीं है उसके लिए क्वेश्चन. देखिए दिखने में ये मुश्किल और भयानक दिखाई देते हैं. पता नहीं क्या आ गया S1 S2 S3. क्या आ गया? सिंबल है ये S1 S2 S3. पहले में कॉमन डिफरेंस 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तीनों में n टर्म, तीनों में a की वैल्यू 1. आंसर में कहा S1 और S3 का आंसर प्लस करो, कर दिया.
जो आया उसमें जो एन स्क्वायर है वो एन स्क्वायर एस टू का आंसर है, तो एन स्क्वायर की जगह एस टू लिख दिया, प्रूव हो गया एस वन और एस थ्री का सम एस टू के डबल के इक्वल होगा। बोलो भाई क्या कहते हो, हाँ या हाँ या ना, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज मैं आपको दो क्लासेस भेजूंगा जूम की, इसकी तो रिकॉर्डिंग भेजूंगा और ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं इसकी यूट्यूब की क्लासेस भेजूंगा बिल्कुल सेम, उसमें और दो दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे। कल भी मैंने यूट्यूब की क्लास आपको भेज दी और जूम की क्लास जो रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ वो भी। एक ही कंटेंट की कितनी क्लास जा रही है आपके पास, दो क्लास जा रही है, आप चाहे यूट्यूब से पढ़ लीजिए चाहे जूम से रिविजन कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, इफ mth टर्म ऑफ एपी इज 1/n एंड इट्स nth टर्म इज 1/m, प्रूव दैट mnth टर्म इज 1। हमने पहले भी आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ। Yes, sir. चलिए शुरू करते हैं। देखिए mth टर्म किसको बोलते हैं, am को, और किसका आंसर क्या दिया हुआ है, 1/n। am के नीचे am का फॉर्मूला खोलते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी 1/n, और d के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस एम डी माइनस डी इक्वल 1/n। ये देखिए दी हुई चीज का हमने सदुपयोग किया और वैल्यू पुट कर दी। अब कौन बताएगा, अब बताइए, mth टर्म तो 1/n दे रखी थी लेकिन nth टर्म क्या दे रखी है, 1/m। ये देखिए an का फॉर्मूला खोलिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 1/m, d को अंदर मल्टीप्लाई करो, बताइए। हाँ भाई हो गया क्लियर। चलिए यस सर, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो लिखेंगे इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू, ए प्लस एम इन टू डी माइनस डी इक्वल 1/n, ए प्लस एन इन टू डी माइनस डी इक्वल 1/m। लीजिए साइन कर दिए चेंज, और करने के लिए सब्ट्रैक्ट, ए से ए कट गया, डी से डी कट गया, ये देखिए क्या बच गया, एम इन टू डी माइनस एन इन टू डी 1/n माइनस 1/m। बस हो गया सॉल्व, कहां से सॉल्व हो गया, डी कॉमन ले भाई, यहां एम एन एलसीएम लो, एम माइनस एन बच गया, ये दोनों कट गए, बताओ डी का आंसर क्या आ गया, 1/mn आ गया। अभी तो डी का आंसर आया भाई, अब डी के इस आंसर को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया जा रहा है, ए प्लस m into 1/mn minus 1/mn equal 1/n, जहां जहां d लिखा हुआ था वहां वहां मैंने 1/mn लिख दिया, m से m कट गया, a plus 1/n minus 1/mn equal 1/n, देखो m से m कट गया, 1/n बच गया। अब 1/n से 1/n काट दो दोनों तरफ और इस माइनस वाली टर्म को उधर ले जाओ, देखो चांस की बात है जो आंसर डी का आया था वही आंसर किसका आया, ए का आया। अब बताओ आपसे क्या कह रहा है, mnth टर्म प्रूफ करवा रहा है वन, तो आइए mnth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, a mn इक्वल a प्लस mn माइनस वन इंटू डी, ये देखिए mnth टर्म का फॉर्मूला है ये,
एमएन इक्वल ए प्लस एमएन माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू वन अपॉन एमएन, एमएन माइनस वन, और डी का आंसर भी वन अपॉन एमएन। ये देखिए, अब इस वन अपॉन एमएन को अंदर मल्टीप्लाई करो, एमएन को जब वन अपॉन एमएन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा। क्यों भाई? भाई एमएन को जब वन अपॉन एमएन से मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा, वन आएगा, और वन की वन अपॉन एमएन से करेंगे वन अपॉन एमएन आएगा, और वन अपॉन एमएन से वन अपॉन एमएन क्या हो गया, कट गया, और आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। हेंस प्रूव्ड। कोई बात किसी को पूछनी हो तो बताइए। हाँ भाई, पूछनी है किसी को कोई बात या नहीं पूछनी? सर, इससे पिछले क्वेश्चन में आपने एस टी और एस टू लिखवाया था, तो उसका मतलब फर्स्ट S2 था हमें? नहीं नहीं, एस वन एस टू एस थ्री तो सिंबल है, टू टर्म या थ्री टर्म का सब नहीं है, सिंबल है। उसने कहा कि जितने जिसमें एन टर्म्स है उसका सिंबल एस वन है, जिसमें जिसमें टू एन टर्म्स है उसका सिंबल एस टू है। ये सिंबल है, ये इतनी टर्म का सम नहीं है। ये तो आपको ना ए पता ना डी पता, आप कैसे बता दोगे कि इतने, ये तो सिंबल है। उसने एस वन एस टू एस थ्री कहा, आप पी के ओ आर मान लो, इससे क्या फर्क पड़ता। लेकिन जब उसने क्वेश्चन में सिंबल दे दिया तो आप अपनी तरफ से नहीं लेट कर सकते। दीज आर द सिंबल्स। ओके, चलें आगे। चलिए सर, एक क्वेश्चन और मैं सेम लिख रहा हूँ, मतलब सेम क्या, थोड़ा इससे मिलता जुलता ही है, तो क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं आपके सामने पहले। हाँ भाई, क्वेश्चन है, इफ एम टाइम्स द mth term of AP is equal to n times the nth term, prove that its m plus nth term is zero. Prove that its m plus nth term is zero. चलिए, हाँ भाई, m times लिखा हुआ है, तो m times means m multiply mth term और n टाइम्स था nth टर्म। मुझे तो यही समझ में आता है, mth टर्म का m टाइम्स और nth टर्म का कितने टाइम्स, n टाइम्स। आइए फॉर्मूला खोलते हैं, m इंटू am का फॉर्मूला, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, बाहर बड़ा ब्रैकेट अंदर छोटा, n इंटू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक लिखा? यस सर। हाँ, बाहर बड़ा ब्रैकेट अंदर छोटा ब्रैकेट, ये चीज ध्यान रखनी। पहले अंदर डी को मल्टीप्लाई करो, ए प्लस एम डी माइनस डी, और इधर भी ए प्लस एन इंटू डी माइनस डी। ये देखिए, पहले मैंने अंदर डी की मल्टीप्लाई करी। भाई तने जैसा प्रैक्टिस करना पड़ेगी जरूर, जैसा ही रात जागना पड़े। अब गिनती शुरू हो गई उल्टी। अंदर m को मल्टीप्लाई करो, m इंटू ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी। ये देखो, मैंने m की तीनों से मल्टीप्लाई कर दी। अब n को तीनों से मल्टीप्लाई करो, n इंटू ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन इंटू डी। कर दी। ये बताओ क्या लिखा, m into a, और उधर क्या लिखा, ma,
उधर से d वाली टर्म ले लो, m स्क्वायर d माइनस n स्क्वायर d, और माइनस के m d, और ये n into d इधर आकर प्लस के हो जाएंगे, इधर कुछ नहीं बचा, जीरो बच गया। n into a को इसके पास लिखा, n स्क्वायर d को सेकंड टर्म के पास लिखा, और माइनस के n d को इधर आकर प्लस लिख दिया और m d के पास लिखा। ये देखो, हाँ हाँ d लगा दो, अभी पता चल जाता। शुरू में कॉमन बताओ, शुरू की दो टर्म में कॉमन है a, ये बच गया m माइनस n, ठीक है। अब क्या कॉमन है, d, ये बच गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यहां माइनस का d कॉमन है, अंदर का साइन पलट गया, आखिरी की दो टर्म में माइनस का d कॉमन है, m माइनस n बच गया। कौन बताएगा अब तीनों में क्या कॉमन है, m माइनस n। यहां से क्या बचा, बड़ा ब्रैकेट लगाया, a बचा, d बचा। अगर आप इसको फैक्टराइज करो तो m माइनस n तो बाहर जा चुका, अंदर बच गया m प्लस n, m प्लस n, और यहां बचा खाली d, और इक्वल किसके, जीरो जीरो। हाँ भाई, ये जो आपने कॉमन लिया, इसे अगर आप जीरो के नीचे ले जाओ तो ये हीरो बन जाएगा, ले जाओ जीरो के नीचे, खत्म हो गया। अब बताओ ये बच गया आपके पास, लीजिए ये m माइनस n जीरो के नीचे चला गया, और जीरो अपॉन समथिंग जीरो ही होता है। अब आखिरी की दोनों टर्म में कौन बताएगा क्या कॉमन है, d कॉमन है, ये देखो आखिरी की दोनों टर्म में d कॉमन है, इधर बच गया m प्लस n और उधर बच गया 1। Hence proved. अबे क्या proved, अभी फॉर्मूला तो लिख ले भाई, बिना फॉर्मूला लिखे proved कर देगा क्या। देखो बताओ ये कौन बच्चा बताएगा ये क्या लिखा है, am यानी कि m माइनस 1, ठीक है, ये क्या लिखा है n माइनस 1, तो ये क्या हो गया। अब बताओ ये कितने माइनस 1 है, तो क्या फॉर्मूला हो गया, am प्लस n, और इसका आंसर क्या हो गया, आपने m प्लस nth टर्म को जीरो प्रूफ कर दिया, इट इज m प्लस nth टर्म। देखिए ये m प्लस n वा नंबर है, जैसे mth टर्म को am लिखते हैं, nth टर्म को an लिखते हैं, ऐसे m प्लस nth टर्म को लिखते हैं am प्लस n, प्रूव हो गया इसका आंसर जीरो। चले आगे या रुके, कुछ पूछना हो किसी बच्चे को, चलो आगे चले, चलो अगला क्वेश्चन करते, आज काम है ज्यादा और समय है आधा। सर हाँ बोलो बोलो सर, उसे a m प्लस n कैसे लिखा, ओ भाई ये क्या लिखा, a m फॉर्मूला लगा, बना फॉर्मूला a प्लस m माइनस 1 इनटू d, 1 को किसमें से माइनस किया, m, यहां 1 को किसमें से माइनस किया, n, यहां 1 को किसमें से माइनस किया, m प्लस n, समझ गया, ओके सर, हाँ वेरी गुड। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए इफ pth टर्म ऑफ ap इज q एंड qth टर्म ऑफ ap इज p, प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज p प्लस q माइनस n। आज सारा कलेक्शन मैंने आपको एक साथ करा दिया, आज इन दोनों की क्लासेस आ जाएंगी, जूम की तो एक रिकॉर्डिंग आई जाएगी और साथ में इसकी यूट्यूब की क्लास भी आपके पास आ जाएगी, उसमें एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही मिलेंगे आपको, नेगेटिव टर्म पॉजिटिव टर्म। अभी बताओ ये क्या लिखा, पीएथ टर्म, कौन बताएगा पीएथ टर्म को क्या बोलते हैं, एपी, तो देखिए एपी किसके इक्वल है बताओ,
क्योंकि इक्वल है, लगाओ एपी का फॉर्मूला कौन लगाएगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल क्यू, ज्यादा से ज्यादा अंदर डी की क्या कर दो मल्टीप्लाई। आ जाओ सामने बताओ, और दूसरी वैल्यू क्यू है टर्म क्या दे रखी है, पी दे रखी है, लगाओ क्यू है टर्म का फॉर्मूला, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, डी के अंदर मल्टीप्लाई करो क्यू डी माइनस डी, ये देखो लिखो इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, चलिए इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू माइनस करते हैं, ए प्लस पी डी माइनस डी इक्वल क्यू, ए प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल पी। लो भाई साइन हो गए चेंज, ए से गया ए, डी से कैंसिल हो गया डी, कोई दिक्कत सब्ट्रैक्ट करने में, पी डी माइनस क्यू डी और इस साइड क्या बचा क्यू माइनस पी। चलो कुछ कॉमन हो तो ले लेते हैं, घोलू यहां माइनस वन कॉमन ले लेना, बताओ क्यू माइनस पी में क्या कॉमन है, माइनस वन, माइनस वन, बताओ पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कट गया, डी की वैल्यू क्या बच गई माइनस वन बच गई, इसे हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन में, तो ए प्लस पी डी की जगह माइनस वन माइनस माइनस वन इक्वल क्यू, ये हो गया ए माइनस पी प्लस वन इक्वल क्यू, कौन बताएगा ए का क्या आंसर आ गया, पी प्लस क्यू माइनस वन, ये ए का आंसर आ गया इतना बड़ा सा, पी प्लस क्यू माइनस वन। अब बताओ आपसे तरिज्जा साहब कौन सी वैल्यू प्रूफ करवा रहा है, nth टर्म, और nth टर्म का फॉर्मूला तो देश का बच्चा बच्चा जानता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जो बच्चा a और d की वैल्यू ठीक ठीक पुट कर देगा शायद ये आंसर क्या हो जाए प्रूव्ड हो जाए, आइए चेक करके देखते हैं, तो a की जगह p प्लस क्यू माइनस वन प्लस एन माइनस वन, और d की जगह क्या लिखूं, d की जगह माइनस वन, ये देखिए। चलो भाई p प्लस क्यू माइनस वन, जरा माइनस वन को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, माइनस के n माइनस और प्लस के वन, कुछ कटा माइनस वन से माइनस वन कटा, बताओ क्या बचा p प्लस क्यू माइनस माइनस n, हेंस प्रूव्ड। आ रहे आर्यन भैया समझ में अच्छे से, यस सर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, हाँ भाई क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन है mth टर्म ऑफ ap इज n एंड nth टर्म इज m, शो दैट इट्स m प्लस nth टर्म इज जीरो। आ जाओ सामने बताओ mth टर्म क्या दे रखी है n, तो mth टर्म की जगह n, तो a प्लस m माइनस वन इंटू डी इक्वल n, n ये हो गया md।
बस पी और क्यू की जगह एम और एन आ गए, लेकिन अब की बार इसने ये वाला नाम चेंज कर दिया। चलो इधर आ जाओ, बताओ nth टर्म दे रखी है m, m और a प्लस n माइनस m माइनस इक्वल है m के, और यहां भी लिख दिया n और यहां लिख दिया m, m अभी होगा हैंस प्रूव्ड। देखो दो इक्वेशन बन गई है फटाफट। बनाइए आराम से दो इक्वेशन, d को अंदर मल्टीप्लाई करिए, p और q की जगह m और n आ गए। चले आइए दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ भाई, a प्लस एम डी माइनस डी इक्वल एन, और a प्लस एन इन टू डी माइनस डी इक्वल एम, और ये बच गया एम डी माइनस एन डी, और यहाँ बच गया एन माइनस एम, और माइनस वन कॉमन ले लिया, अंदर भी एम माइनस एन, और एम माइनस एन से एम माइनस एन कट गया, डी का आंसर खुशी खुशी माइनस वन आ गया। डी के इस आंसर को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, ए प्लस एम इंटू माइनस वन माइनस माइनस वन इक्वल एन, तो ए माइनस एम प्लस के वन इक्वल एन, ए की वैल्यू हो गई एम प्लस एन माइनस वन। अब आपसे वो एम प्लस एनथ टर्म पूछ रहा है, तो आइए एम प्लस एनथ टर्म निकालते हैं। तो a m प्लस एन का फॉर्मूला, a प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी मित्तल साहब पूछ रहे थे ना ये a m प्लस एन कहाँ से आया, देखो a m प्लस एन का फॉर्मूला a प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलो भाई पहली पुट करने का समय आ गया, a की जगह m प्लस एन माइनस वन, और m प्लस एन माइनस वन d की जगह माइनस वन। चलो इस माइनस वन के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, m प्लस एन माइनस वन माइनस के m माइनस के n और प्लस के वन जीरो आ जाएगा। अरे गजब, और इसके बाद क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। m से m कट गया, n से n कट गया, और माइनस वन से प्लस वन कट गया। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, हैंस प्रूव्ड। आर्यन भैया आज तो 6 क्वेश्चन हो गए होंगे, और बढ़िया बढ़िया भाई, कोई बात पूछनी है किसी बच्चे को, क्वेश्चन बढ़िया था आज, आज बढ़िया थे। अच्छा यस सर, चलो कल और भी बढ़िया कराएंगे। कल की क्लास नहीं चलेगी भाई, कल एक तो नेट नहीं होगा क्योंकि इलेक्शन है, इसकी वजह से सब बंद कर देते हैं, और दूसरा यहाँ सारा बैरिकेटेड हो जाएगा रोड जो है, क्योंकि सामने इलेक्शन वो पोलिंग है, तो इसलिए कल कोई क्लास नहीं चलेगी। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, राधे राधे। राधे राधे सर, इसकी क्लास भेजेंगे आपको। ओके सर।